डॉक्टर लोग बोला कुछ कर दिया कुछ, मामूली हर्निया और पथरी की शिकायत लेकर हजारीबाग के आशा किरण हॉस्पिटल एंड प्रसूति केंद्र में लाई गई शीशम देवी का ऑपरेशन करना बेहद जरूरी बताया। घर वालों से कहा गया कि ऑपरेशन लेजर ट्रीटमेंट के जरिए होगा, पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी, उसे आराम रहेगा। परिजनों का इल्जाम है कि ओटी के अंदर ओपन सर्जरी कर दी गई, एक बार नहीं दो दो बार सर्जरी की गई। पेशेंट शीशम देवी की जब हालत बिगड़ने लगी तो ओटी से बाहर निकले डॉक्टरों ने कहा पेशेंट की हालत बहुत खराब है, उसे रांची रेफर करना होगा। घर वालों ने कहा कुछ टाइम दिया जाए, बाहर ले जाने के लिए पैसा का जुगाड़ करना होगा। घर वाले को जुगाड़ में भेज दिया गया। इल्जाम है कि इसी बीच हॉस्पिटल प्रबंधन ने खुद से एम्बुलेंस बुलाया और डिस्चार्ज पेपर बनाकर पेशेंट को रांची रेफर कर दिया। पेशेंट के साथ उसकी बहन और बेटे को भी रांची भेजा। इन दोनों से डिस्चार्ज पिटीशन पर साइन भी लिया गया। रांची के रिम्स में शीशम देवी को मृत घोषित कर दिया गया। मामूली तकलीफ में शीशम देवी की जान चली जाने की फैली खबर के बाद हॉस्पिटल में बवाल हो गया, जमकर तोड़फोड़ की गई। लोगों का गुस्सा उबाल पर था। लोगों का इल्जाम था कि हॉस्पिटल में झोला छाप डॉक्टरों को रखा गया है। ये लोग मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। अक्सर इस हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही और अनदेखी से पेशेंट की जान चली जाती है। काल के गाल में समा गई शीशम देवी को दो रोज पहले आशा किरण हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वह हजारीबाग के पद्मा में रहती थी। वहीं हॉस्पिटल के प्रोप्राइटर धीरेन्द्र कुमार राज ने बताया कि डॉक्टरों ने अपना पूरा प्रयास किया, पेशेंट की हालत को देखते हुए लेजर ट्रीटमेंट ना करके ओपन सर्जरी करनी पड़ी। हालत खराब होता देख पेशेंट को रेफर कर दिया गया। उन्होंने पेशेंट की मौत हो जाने पर दुख जताते हुए कहा कि चाहे पेशेंट कोई हो, नुकसान हो जाने पर परिजनों में गुस्सा लाजमी है। उनका दावा है कि हॉस्पिटल की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं की गई। शीशम देवी जिनका हर्निया का ऑपरेशन करवाना था और पथरी का, आशा किरण में हम लोग आए, वहाँ बोले कि ऑपरेशन सही सलामत हो जाएगा। ऑपरेशन थिएटर में ले गए और बोले कि हम लेजर ऑपरेशन करेंगे, लेप्रोस्कोपी को समझे, लेजर ऑपरेशन ना करके वो डबल ओपन ऑपरेशन कर दिए दो जगह, और ऑपरेशन आधा करने के बाद वो बाहर आके बोलते हैं कि पेशेंट का हालत बहुत क्रिटिकल हो गया है, आप इसको बाहर ले जाइए। हम लोग बोले ठीक है, बाहर ले जाने के लिए पैसा चाहिए ना, हम लोग व्यवस्था करते हैं। बोला नहीं ठीक है, आप लोग व्यवस्था कीजिए। हम लोग को आने के पहले वो एम्बुलेंस बुला के, हमारी एक और सिस्टर थी उनको और भगना को, दोनों को एम्बुलेंस में बैठा के वो रिम्स भेज दिए। रिम्स में साइन भी करवा, सारा चीज़ साइन उन करवा के वो भेज दिए हम लोग को। वहाँ जाने के बाद 10 मिनट बाद बोले डॉक्टर साहब कि इनका डेथ हो चुका है। वहाँ ECG किए, वो क्लियर बोली कि ये डेथ हो चुका है। किन डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था? डॉक्टर था विवेक कुमार थे, अभी आप तीन चार डॉक्टर को बुलाए हुए थे जिनका सभी का तो नाम नहीं जानते हैं। वहाँ पे तोड़ फोड़ हुआ है, वो कौन किया? नहीं नहीं तोड़ फोड़ नहीं किया, हम लोग तो अभी रांची, हम लोग अभी डेट बॉडी लेके रांची से आ रहे हैं। दो तीन लड़का आया था शुरू में, हम लोग थोड़ा देर के लिए नीचे था, हम लोग सोचे कि कोई अटेंडर का उसके साथ होंगे। उसके बाद 2 मिनट बाद तुरंत उतर ऊपर आ गया, पूछा उछा कुछ नहीं, सीधा आके तोड़ फोड़ करने लगा, आके सीधा पूछने लगा कौन है यहाँ पे, कौन का स्टाफ है, तो हम लोग कुछ बता नहीं पाया। अचानक वो सब आके इतना कोई आ गया, उसके बाद जस्ट पूछ ही रहा था, मतलब तोड़ा वो वाला और हमको आकर पूछा यहाँ पे, उसके बाद पूछने के बाद तुरंत मतलब उसे और कुछ ज़्यादा पूछा भी नहीं और सीधा तोड़ फोड़ करने लगा, और उसके साथ जस्ट तुरंत मतलब वो सब जैसे ऊपर आया तैसे नीचे गाड़ी आ गया था, मारुति गाड़ी, उसमें से 6-7 लड़का उतरा। उसके बाद फिर एक गाड़ी आया, लगभग 3-4 गाड़ी आया, 3-4 गाड़ी में सब आया था, कम से कम 20-25 आदमी सब आया था, 20-25 आदमी मिल सकती है। पेशेंट जो अमाउंट जमा किए थे उसमें से 5,000 ट्रेन को रिफर थे, एक्चुअली मांग किया गया कि मेरे पास पैसा नहीं है रहने की वजह से हम कैसे जाएं, तो मैंने आदेश पूरा दिया असिस्टेंट उनको 5,000 रुपीज दे दिया जाए, मरीज की जिंदगी की बात है ठीक है, तो इसको दे दिया गया। क्या पर्चे हुआ आपके टाइम में? किसी तरह का कोई हल्ला उल्ला नहीं थी। अब जाहिर सी बात है कोई अगर फैमिली के मेम्बर की मृत्यु होता है तो गुस्सा करना जायज है, घटना घटने के बाद छोड़ फोड़ होती है ना, तो ये जायज़ नहीं है, पर कानून को हाथ में लेना जरूरत नहीं समझते हैं। हमारे
हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है, हमारे ANM डॉक्टर लोग सब रजिस्टर्ड हैं। और दूसरी बात रहा कि ऑपरेशन डॉक्टर विवेक भास्कर के यूनिट में किया गया, एनेस्थेटिक डॉक्टर सुप्रभात किरण थी। तो वही मीडिया के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ किसी तरह का कोई फर्जी चिकित्सक या किसी तरह का फर्जी ANM में है। हाँ, स्टाफ नर्स थी, स्टाफ नर्स हुए होते हैं। पटना में अगर कोई भी घटना घटती है, चाहे वो छोटे हॉस्पिटल हो, बड़े अस्पताल हो, रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हो, और घटना घटने के क्रम में थोड़ा सा सब लोग चाहता है कि हम अपना जान बचे, ठीक है, और उसके बाद जांच के विषय है वो झूठ और सच का साबित। कोहराम लाइव के लिए हजारीबाग से मनोज कुमार की रिपोर्ट।